हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स हॉट 30 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके मोबाइल फ़ोन की इनकमिंग कॉल अगर स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती है तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके कभी भी जो है इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती है तो सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है। रीस्टार्ट पर टैप करना है, से क्या होगा आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन हैंग करता है, मोबाइल फोन की इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती है, ऐसी बहुत सारी कमियां जो है वो दूर हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। इसके बाद दोस्तों आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपके मोबाइल फोन का ये जो कॉलिंग का ऐप है ना, ये जो फोन ऐप है, इस फोन ऐप को आपको रीसेट करना है, यानी कि इसका डेटा क्लियर करना है। कैसे करेंगे, देखिए इस फोन ऐप को आपको उंगली से दबा के रखना है, एक छोटा सा पेज ओपन होगा, इस पेज में आपको ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलेगा या फिर सर्कल के अंदर जो ये आई बटन बना हुआ है इसे आपको टैप करना है, तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन मिलेगा, इसे आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो क्लियर स्टोरेज का, दूसरा क्लियर कैच का। आपको इसे जो है पहले क्लियर कैच पर टैप करना है, तो आपका ये कैच के सामने वाला डेटा आपका जीरो हो जाएगा। इसके बाद आपको इसे क्लियर स्टोरेज पर टैप करना है, तो आपका डिलीट ऐप डेटा का पेज आएगा, इसमें आपको डिलीट का बटन या ओके का बटन दिखेगा, इसे आपको टैप कर देना है। इससे क्या होगा, आप यहाँ पर जो है टैप करेंगे तो इससे आपका ये यूजर डेटा भी आपका जीरो हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये फोन ऐप रीसेट कर देंगे तो आपकी जो इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती है वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है अपने मोबाइल फोन का एक बार जो है सिस्टम चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारे फोन के सिस्टम का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फोन का जो सिस्टम होता है ना, वो अपडेटेड ना होने के कारण हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लगती हैं। तो आपके मोबाइल फोन का जो सिस्टम है वो आपका अपडेटेड है या नहीं, आपको कैसे चेक करना है, देखिए इसके लिए आपको पहले तो मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज आपको ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहां पर आपको सर्च बार में टाइप करना है सिस्टम अपडेट, ठीक है। सिस्टम अपडेट यहां पर टाइप करेंगे तो आपको नीचे की साइड ये सिस्टम अपडेट का ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे आपको टैप करना है। आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लेकर आ जाएगा। आपको नीचे की साइड ये ऑनलाइन अपडेट के इस ऑप्शन पर टैप करना है, तो आपका इस वाले पेज पर अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल कुछ भी आपको यहां पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फोन का सिस्टम अपडेट हो जाएगा और आपकी जो इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती है वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद यहां पर आपको आखिरी प्रोसेस करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट कर देना है। देखिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं कोई भी, तब आपको अपने फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ फ़ोन को रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, इसके अंदर आपको सबसे नीचे की साइड सिस्टम पर आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको ये रीसेट ऑप्शन मिलता है, रीसेट ऑप्शन पर टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे की साइड इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पर टैप करेंगे तो आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपकी जो इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती है ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर दीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। तो दोस्तों ये सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो आपकी जो इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती है ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा जो आपके एरिया के आसपास होगा वहां पर आपको चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताया ना वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।